हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर जो कि आपका चल रहा है, ठीक है, उसके एमसीक्यूज हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, उसके एमसीक्यूज कल मैंने दो वीडियोस आपको दिए थे, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ, 20 to 25 क्वेश्चंस। आज के वीडियो में भी 25 क्वेश्चन होंगे, तो 50 एमसीक्यूज सेकेंड चैप्टर के हो जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर के मैं अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। एमसीक्यूज में आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और खुश रहना है और स्टडी वेल, ओके, स्माइल एंड स्टडी वेल, ओके, बस इतना सा काम करना है आपको एमसीक्यूज में। तो आपके लिए मैंने छोटा सा इमोजी भी बनाया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्या है यहाँ पर, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद, वन सेकेंड पेंसिल इज नॉट वर्किंग अगेन, आई एम रियली सॉरी, इट्स चार्ज्ड बट व्हाई इट्स नॉट वर्किंग आई हैव टू चेक, आई थिंक इट्स वर्किंग नाउ, ओके, सो या इट्स वर्किंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन और ज्योतिबा फुले इन ये किस समाज या किस मिशन से रिलेटेड थे। ठीक है, तो यहाँ पे एनालॉजी है, हमें ये बताना है कि कौन किससे कनेक्टेड है। तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड हैं, तो ज्योतिबा फुले जो हैं वो किससे रिलेटेड थे बताइए, ब्रह्म समाज, सत्याशोधक समाज आपका हो गया, आत्मीय समाज सभा या फिर आर्य समाज, किससे रिलेटेड थे। तो ज्योतिबा फुले, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था ज्योति सत्या, रिमेंबर ज्योति सत्या, तो ज्योतिबा फुले सत्याशोधक समाज, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके, स्माइल एंड स्टडी वेल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1896, ओके, पहली बार कब गाया गया था और क्या गाया गया था। 1896 की जो INC हुई थी उसमें ऐसा क्या गाया गया था, वंदे मातरम गाया गया था, जनगण मन गाया गया था, आए मेरे वतन के लोगों गाया गया था, कदम कदम बढ़ाए जा गाया गया था, बताइए क्या गाया गया था। कदम कदम बढ़ाए जा तो नहीं गाया गया था, ये नया सॉन्ग है, आए मेरे वतन के लोगों भी लता जी ने गाया है जो कि नया सॉन्ग है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट कर लीजिए आप, ये दोनों तो होने ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका वंदे मातरम या फिर जनगण मन, तो आपका सही होगा यहाँ पर ये वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम जो है आपका वो आपका करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सेकेंड, ओफो ये पेंसिल आज इतनी प्रॉब्लम क्यों कर रही है, आई थिंक इट्स नॉट कनेक्टिंग प्रॉपरली, एनीवन हैव आइडिया प्लीज कमेंट, कल भी ऐसे ही हो रहा था, नाउ आई थिंक इट विल वर्क, या चलो आगे प्रॉब्लम ना हो होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्शियन पेपर स्टार्टेड बाई राजा राम मोहन रॉय, आई एम रियली सॉरी पेंसिल की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट अब मैं वीडियोज़ को बहुत शॉर्ट बनाती हूँ इसलिए कि आपको बस MCQs खट खट जल्दी जल्दी रिवाइज कर जाओ और जितनी जल्दी हो सके आप 5 times रिविजन कर सको। ठीक है, चलिए, वेरी सॉरी, नेम द पर्शियन पेपर स्टार्टेड बाई राजा राम मोहन रॉय, तो कौन सा था, राष्ट्र गुफ्तार, पंजाब केसरी, मिरातुल अकबर या फिर मराठा, तो कौन सा था आपका बताइए। मराठा तो नहीं है, ठीक है, मराठा तो इनका नहीं है, तो ये तो क्रॉस कर दीजिए, ये क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का है। मिरातुल अकबर बताइए ये है क्या, पंजाब केसरी ये है क्या, राष्ट्र गुफ्तार दादा भाई नौरोजी का, ये भी कैंसिल कर दीजिए, तो आपका मिरातुल अकबर जो है वो राजा राम मोहन रॉय का था। नाम से तो राम जैसा है लेकिन उन्होंने लिखा एक मिरातुल अकबर पर्शियन या फिर आपको इस ये अरबिक टाइप वाली लैंग्वेज जो है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आवर नेशनल सॉन्ग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच बुक, नेशनल सॉन्ग जो है हमारा वंदे मातरम, राइट, वो कहाँ से लिया गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, धर्म मार्गदर्शक, गुलामगिरी, आनंद मठ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में तो इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया दादा भाई नौरोजी ने, तो ये तो आप पहले ही कैंसिल कर दो। अब इन तीन में बताइए कौन सा है, तो वो है आपका आनंद मठ, ओके, आनंद मठ से जो हमारा नेशनल सॉन्ग है दैट हैज़ बीन टेकन, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5,
वाई वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इंट्रोड्यूस्ड. एक और चीज़, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये आपका ये जो ईयर है ना इसे रट लीजिएगा. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878. ओके, तो ये किस लिए था? वाई वॉज इट इंट्रोड्यूस्ड? तो ऑप्शन ए है टू इंक्रीज द ग्रोइंग जर्नलिज्म इन इंडिया, टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री, टू फॉरबेड वर्नाकुलर पेपर फ्रॉम पब्लिशिंग एनी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश, ध्यान दीजिएगा, टू फॉरबेड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर फ्रॉम पब्लिशिंग क्रिटिकल ओपिनियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस लिए लाया गया था, आपको क्या लग रहा है? तो ये लाया गया था टू फॉरबेड वर्नाकुलर पेपर फ्रॉम पब्लिशिंग एनी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का ऐसा हो गया था कि भैया मेरे अगेंस्ट कुछ छाप मत देना, हमने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया है, सब बंद कर देंगे. ठीक है, तो ऐसे था 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878. ओके, रट लीजिएगा इसको. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द इंडियन प्रेस इन्फ्लुएंस द इंडियंस? इंडियन प्रेस ने इन्फ्लुएंस कैसे किया इंडियंस को? इनकरेज वेस्टर्न एजुकेशन एंड फिलोसफी, प्रोपोगेट फ्रीडम एंड फ्रटर्निटी, प्रोपोगेट द पाथ ऑफ रिलीजन, फॉस्टरिंग पैट्रियटिज्म एंड आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस इन द नेशन. आपको क्या लगता है क्या किया था? सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, फॉस्टरिंग पैट्रियटिज्म एंड इंडिया सॉरी एंड आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस इन द नेशन. ठीक है, थोड़ी सी आपकी पैट्रियटिक वाली फीलिंग जो है उसको जगाया, लिबर्टी की फीलिंग, जस्टिस की फीलिंग को जो है वो इसने जगाने की कोशिश की थी. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच सोशल एविल वॉज मेड इलीगल इन इंडिया इन 1829? विच सोशल एविल वॉज मेड इलीगल इन इंडिया इन 1829? सो इट वॉज चाइल्ड मैरिज, बैन ऑन विडो मैरिज, पर्दा सिस्टम और सती सिस्टम. तो कौन सा था जो 1829 में बैन किया गया था? ये मैं बता भी चुकी हूँ एक पिछले वीडियोस में. तो ये था आपका 1829 वाला सती. ओके, सती था. और विडो वाला एक किस में था? 1856 वाला था. ठीक है, सती सिस्टम जो था वो 1829 का है. ये क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी. प्लीज़ सारे MCQs एक बार देख लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर के भी और सेकेंड चैप्टर के भी. एंड वन मोर थिंग, रीडिंग. ठीक है, हर चैप्टर की एक रीडिंग कर लो भाई, बस स्टोरी है ये, कोई फॉर्मूला रटना तो है नहीं. एक रीडिंग कर लो और बस, उससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं जो रीड कर रहा हूँ उससे क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है और मैं क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ और क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होने. क्योंकि आपको 100 में 100 लाने हैं हिस्ट्री में. ओके, विच इज़ नॉट एट ऑल बिग डील, आप ला सकते हो. क्योंकि आपको सॉल्व नहीं करना बैठ के फॉर्मूला लगा के, सामने ऑप्शन लिखे हैं, MCQ तो गलत करने ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट स्टेप डिड राजा राम मोहन टेक अगेंस्ट प्रेस रेगुलेशन? तो कौन से थे वो आपके जो स्टेप थे राजा राम मोहन रॉय ने लिए? ऑप्शन ए, ही बिलीव्ड इन द एथिकल टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, ही प्रेजेंटेड अ पिटिशन टू द सुप्रीम कोर्ट, ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्रेस रेगुलेशन, He recognized the significance of English education in the modern world. तो इन चारों में से क्या किया था राजा राम मोहन रॉय ने, क्या स्टेप था उनका? He presented a petition to the Supreme Court. और यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, इन्होंने ये किया था, ये स्टेप लिया था. ठीक है, किसके अगेंस्ट? प्रेस रेगुलेशन एक्ट के अगेंस्ट एक पिटिशन इन्होंने फाइल की थी. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नेम द बुक रिटन बाई ज्योतिबा फुले. ज्योतिबा फुले ने कौन सी बुक रिटन की थी? एलिमिनेशन रूल लगा सकते हो आप यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले ही एक का तो बताया था राइटर. नेम द बुक रिटन बाई ज्योतिबा फुले ने कौन सी बुक लिखी है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की है, तो ये तो हटा ही दीजिए. ठीक है, धर्म मार्गदर्शक. ठीक है, और गुलामगिरी. ठीक है, अ नेशन इन मेकिंग कौन सी थी? तो ये थी आपकी गुलामगिरी. अ नेशन इन मेकिंग नहीं है, धर्म मार्गदर्शक नहीं है, गुलामगिरी इज द करेक्ट आंसर. ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी है. ज्योतिबा गुलाम. ओके, ज्योति गुलाम, ज्योति गुलाम. ठीक है, विच बुक इज नोन एज द बाइबल ऑफ मॉडर्न बंगाली पैट्रियटिज्म?
तो कौन है बाइबल बंगाली पैट्रियटिज्म की, आनंद मठ, भारत दुर्दशा, केसरी या फिर मराठा? तो आपका कौन सा है? आपका है ये आनंद मठ। आनंद मठ से कौन सा सॉन्ग लिया गया है? आपका नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ओके, तो आनंद मठ ही आपकी बाइबल है और आनंद मठ से ही वंदे मातरम सॉन्ग भी लिया गया है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बंगाली वीकली स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय? ये जो वीकली पत्रिका निकलती है ना, मैगजीन्स, वो उसमें राजा राम मोहन रॉय का कौन सा था वीकली स्टार्टेड? ही हैज स्टार्टेड वीकली। तो संवाद है यहाँ पे, संवाद कॉमेडी, राष्ट्र गुफ्तार, सोम प्रकाश, यंग इंडिया, विच वन? तो बताइए कौन सा था। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, ये है संवाद कॉमेडी, इसका करेक्ट आंसर होगा राजा राम मोहन राय संवाद। ओके, संवाद कॉमेडी, ये इनकी क्या थी, बंगाली वीकली स्टार्टेड मैगजीन थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई वाज द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेरी सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? INC का जो बर्थ हुआ वो सिग्निफिकेंट कैसे हुआ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में? ऑप्शन ए, कंप्राइज्ड ग्रेट लीडर्स, फर्स्ट ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ अ परमानेंट नेचर, एन इंग्लिशमैन हेल्प्ड इन द फाउंडेशन, द ब्रिटिश ऑफिशियल्स सपोर्टेड द कांग्रेस। तो इसमें से कौन सा रीज़न है INC जो कि हिस्टोरिकल बन गई? तो आपका होगा इसमें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी, फर्स्ट ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ अ परमानेंट नेचर। ठीक है, इसलिए ये INC जो है इम्पॉर्टेंट था। INC समझ रहे हैं ना, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ INC। ठीक है, INC का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो ये आपका हिस्टोरिक सिग्निफिकेंट था इसका, फर्स्ट ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ परमानेंट नेचर। क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज दीज न्यूज़पेपर्स अकॉर्डिंग टू अ स्टार्टिंग डेट फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। चलिए ठीक है, अरेंज कर लेते हैं, क्या बिग डील है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका पाइनियर न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड, द हिंदू वाज पब्लिश्ड इन मद्रास, द स्टेट्समैन सपोर्टेड द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट येट दे केप्ट द पीपल अब्रेस्ट अबाउट द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द कंट्री, द टाइम्स ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड। तो आपको लगाना है, ये क्रोनोलॉजी है, ये क्रोनोलॉजी में सेट करना है आपको। क्या बताना है, अरेंज करना है न्यूज़पेपर को अकॉर्डिंग टू द स्टार्टिंग डेट, टू द पास्ट टू प्रेजेंट में लगाना है। तो कौन सा आपका सही होगा बताइए? आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, कैसे, द टाइम्स ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड, ठीक है, उसके बाद आपका आया द स्टेटमेंट्स सपोर्टेड द पॉलिसीज वाला, ठीक है, उसके बाद आपका आया द हिंदू वॉज पब्लिश्ड इन मद्रास। ठीक है, पाइनियर सबसे बाद का है। ओके, गॉट इट, रट लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुले स्ट्रांगली बिलीव दैट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द डैश कुड बी रिजॉल्व्ड इफ दे आर प्रोवाइडेड प्रॉपर एजुकेशन। तो फुले का क्या मानना था, किसके लिए, किन के लिए कह रहे थे कि स्ट्रांगली बिलीव था इनको कि सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी इफ़ प्रॉपर एजुकेशन इनको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो दलित्स के लिए था, क्षत्रिय के लिए था, वैश्य या फिर ब्राह्मण, तो किन के लिए बोला इन्होंने, इन्होंने बोला था दलित्स के लिए। ठीक है, फुले ने दलित्स की एजुकेशन के लिए बोला था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई वन ऑफ द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस एज स्टेटेड बाई WC बैनर्जी। आइडेंटिफाई वन ऑफ द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या था कांग्रेस का एज स्टेटेड बाई WC बैनर्जी। तो ऑप्शन देखते हैं, होल्डिंग ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ रॉयल कमीशन टू इंक्वायर इन टू वर्किंग ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, टू ट्रेन एंड मोबाइल पब्लिक ओपिनियन ऑल ओवर द कंट्री, एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, किस लिए था, क्या इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था इनका? ऑब्जेक्टिव था टू ट्रेन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन ऑल ओवर द कंट्री। कंट्री को साथ मिलाने का ऑब्जेक्टिव था इनका कांग्रेस को फॉर्म करने का इमीडिएट, क्योंकि सब एक साथ जब आएंगे तभी तो इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर पाएंगे। गॉट इट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजा राम मोहन रॉय वॉन्टेड द डैश बजट टू बी रिड्यूस सो दैट मोर फंड्स वुड बी अवेलेबल फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, तो कहाँ पर ऐसा रिड्यूस करने को बोल रहे थे बजट को राजा राम मोहन रॉय? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कैश फ्लो और मिलिट्री। तो ही वॉज सेइंग इन टू
मिलिट्री. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके ऑप्शन क्वेश्चन 17 डैश वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन कैलकटा इन 1886. जो कैलकटा में सेशन हुआ था INC का 1886 में, उसके हेड कौन थे, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बैनर्जी, दादा भाई नरोजी, बरुद्दीन तैयब जी या फिर जॉर्ज यूल. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि डब्ल्यू सी बैनर्जी तो फर्स्ट में थे, इसको एलिमिनेट कर दीजिए. जॉर्ज यूल तो यहाँ पर नहीं थे, वो फोर्थ में थे. ठीक है, दादा भाई नरोजी यहाँ पर थे, जो कि सेकेंड टाइम जब सेशन हुआ था कांग्रेस का उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट काम किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्योतिबा फुले वॉज अ माली बाई डैश एंड हैंस कम टू कॉल्ड फुले. तो ये किस इससे कास्ट है या रिलीजन है या क्या है? ज्योतिबा फुले का जो माली है वो क्या है, वो जनरेशन है कि क्या चीज़ थी? इट वॉज जनरेशन, कास्ट, रिलीजन, प्रोडक्शन. इट वॉज कास्ट, माली वॉज अ कास्ट. ओके, ज्योतिबा फुले कहाँ से आते थे? माली कास्ट से आते थे. ठीक है, और इनको फुले कहा जाता था. द जर्नल, आपको हिंदी समझने में प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना? होनी भी नहीं चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए. हाँ, इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए, बट ठीक है. द जर्नल सोम प्रकाश वॉज स्टार्टेड बाई, सोम प्रकाश किसने जर्नल स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए तिलक, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद विद्यासागर, दादा भाई नरोजी. तो कौन थे जिन्होंने सोम प्रकाश स्टार्ट किया था? सोम प्रकाश आपका स्टार्ट किया था ईश्वर चंद्र विद्या सागर. सोम प्रकाश वॉज स्टार्टेड बाई ईश्वर, ईश्वर ने आपको प्रकाश दिया है, ऐसे करके याद कर लो. ठीक है, नेक्स्ट है द अमृत बाजार पत्रिका बिगिन एज द डैश वीकली. अमृत बाजार पत्रिका आप जानते हैं, ABP न्यूज़ सुना है? ABP न्यूज़, दैट इज अमृत बाजार पत्रिका. तो प्रेजेंट से भी आप रिलेट कर सकते हो. अमृत बाजार पत्रिका बिगन एज द डैश वीकली, मराठा, एंग्लो बंगाली, संस्कृत और बंगाली. कौन सी लैंग्वेज में स्टार्ट हुई थी आपकी? ये आपकी स्टार्ट हुई थी बंगाली में, और फिर रातों रात इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था. जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया गया था तो इसको रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया, अमृत बाजार पत्रिका का. और अभी हम प्रेजेंटली जो देख रहे हैं दैट इज़ ABP न्यूज़, दैट इज़ अमृत बाजार पत्रिका. ABP न्यूज़ देखते हैं ना हम, वही है ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश्ड द ब्रह्म समाज इन 1828. सबसे ईजी क्वेश्चन, और ये मैं तीन बार बता चुकी हूँ तीनों वीडियोज़ में. तो ब्रह्म समाज किससे रिलेटेड था बताइए, बताइए. मैंने आपको निमोनिक भी बताया था इसका, राम ब्रह्मा याद आया, राम ब्रह्म जैसे हैं, आदर्श जैसे हैं. सो द आंसर इज राजा राम मोहन रॉय. मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि ये मैं आपको बहुत इजीली निमोनिक से याद भी करा चुकी हूँ. ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय. ओके, इन 1828 फॉर्मेशन ईयर ज़रूर याद कर लीजिएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हाउ वॉज राजा राम मोहन रॉय इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम, इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम. एथिकल टीचिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ उपनिषद्स, मोनोथिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ नेशनलिज्म. तो ये किससे इंस्पायर होके थे? इस्लामिक जो चीज़ें थी, राजा राम मोहन रॉय थे तो बंगाली, फॉलो करे थे हिंदू चीज़ें, लेकिन इस्लाम से कैसे इन्फ्लुएंस हो गए, किस वजह से? तो वो हो गए थे मोनोथिज्म की वजह से. मोनोथिज्म समझते हैं ना, एक ही भगवान को मानना. तो मोनोथिज्म की वजह से ये क्या हुआ था, ये इस्लाम से इन्फ्लुएंस हो गए थे. ठीक है, इस्लाम में क्या है, एक ही को मानते हैं ना, और हमारे हिंदू कल्चर्स में क्या है, 33 करोड़ से अप्रॉक्स है ना जिनको हम मानते हैं भगवान, तो इसलिए. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी. ओके क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ, सो दैट आपको कहानी सी याद रहे. ना याद आए कुछ तो कहानी से आप आंसर करेक्ट करके आ जाओ. ऑल आई वॉन्ट इज़ कि आप 100 में 100 लेकर के आओ, और 100 में 100 आपको लाने हैं हिस्ट्री में. MCQ तो गलती से गलत मत कर देना, बहुत पीटे जाओगे. सॉरी टू से दैट. वट वॉज राम मोहन रॉयज़ बिलीफ अबाउट रिलीजन, क्योंकि पीटना वीटना अलाउ नहीं है और मैं पीटने वाली भी नहीं हूँ. ठीक है, वट वॉज राम मोहन रॉयज़ बिलीफ अबाउट रिलीजन. तो क्या है इसका आंसर, क्या था आप इनका बिलीफ क्या था रिलीजन को लेकर? ईच रिलीजन हैड सेट अप अ मॉरल कोड नेसेसरी फॉर सोशल पीस एंड हैप्पीनेस, बिलीव्ड दैट वुमेन वर सुपीरियर टू मेन, अपोज्ड द कास्ट सिस्टम, प्रीच द पावर ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रिलायंस. आपको क्या लग रहा है कि क्या बिलीफ था राजा राम मोहन रॉय का अबाउट रिलीजन? तो इनका बिलीफ था ईच रिलीजन हैड सेटअप अ मॉरल कोड नेसेसरी फॉर सोशल पीस एंड हैप्पीनेस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके क्वेश्चन नंबर 24, ज्योतिबा फुले वॉज हाईली पॉपुलर डैश
रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी. ज्योतिबा फुले जो थे, जो पॉपुलर थे 19th सेंचुरी में, वो किस काम के लिए इतने पॉपुलर थे, हाईली पॉपुलर किस लिए थे, किस रिफॉर्म के लिए? इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म. तो बताइए कौन सा रिफॉर्म था? उनका रिफॉर्म था सोशल रिफॉर्म. याद है ना, वो दलित्स की एजुकेशन के लिए बोल रहे थे, अभी ऊपर एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा था. तो वो सोशल रिफॉर्म में आता है. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 25. द डैश वॉज अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. ऐसी कौन सी चीज़ थी जो 72 डेलीगेट्स ने अटेंड की थी फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए फर्स्ट कांग्रेस सेशन, सेकेंड कांग्रेस सेशन, थर्ड कांग्रेस सेशन और ब्रह्म समाज. तो वो था आपका फर्स्ट कांग्रेस सेशन. फर्स्ट कांग्रेस सेशन में 72 डेलीगेट्स थे, ये आप याद कर लीजिएगा. ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं. ओके, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज टू एंड ऑल डैश रिलीजियस एंड डैश prejudices and promote a feeling of national unity among all lovers of the country. क्या ऑब्जेक्टिव था INC का? Was to end all. क्या इसको एंड करना था religious में? क्या इसको prejudice वाली में प्रमोट करना था? तो इनका ऑप्शन पहले देख लेते हैं. वन सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर दूँ. तो ऑप्शन है आपका एजिटेशन वाइट, एसोसिएशन पार्टी, गवर्नमेंट एज, रेशियल प्रोविंशियल. आपको क्या लगता है, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए. तो ऑब्वियसली रेशियल और प्रोविंशियल चीज़ें. ठीक है, रेशियल रिलीजियस इनको और प्रोविंशियल प्रिजुडाइज. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. कंप्लीट द गिवन एनालॉजी. क्या है? इंडियन आर्म्स एक्ट 1878. अभी आपको मैंने एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी याद कराया था, वो भी 1878 का था. इंडियन आर्म्स एक्ट जो है वो भी 1878 का है. और एल्बर्ट बिल मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, तो देखना मत भूलिएगा MCQs का कल का वीडियो भी भैया, उसमें भी आंसर्स बहुत सारे आपको रिलेट हो रहे हैं. सो डोंट मिस एनी वीडियोस. ओके, सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटर रिलेटेड है. और हर वीडियो जो मैं लाती हूँ वो मैं एक लेवल अप करके लाती हूँ. बात समझ रहे हो? ठीक है, ABCD की तरह हम मूव कर रहे हैं. तो एल्बर्ट बिल का जो है वो किस ईयर से रिलेटेड है, चेक इट आउट. 1870, 1872, 1883, 1885, बताइए. तो इट वॉज फ्रॉम 1883. ओके, इसको याद कर लीजिएगा. क्या है ये? 1883. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द गिवन एनालॉजी अगेन. फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस WC बैनर्जी. ठीक है, सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस अभी ऊपर मैंने बताया है, तो बताइए क्या है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, AO ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी. इट वॉज दादा भाई नरोजी. ठीक है, सेकेंड सेशन दादा भाई नरोजी, फर्स्ट सेशन WC बैनर्जी. ठीक है, इसको याद कर लो एकदम अच्छे से. राजा राम मोहन रॉय स्ट्रेस्ड ऑन द डैश ऑफ ऑल रिलीजियंस. तो राजा राम मोहन रॉय ने किस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया रिलीजियंस वाली चीज़ों में? अवेकनिंग, वैलिडिटी, डिवीजन और यूनिटी. उनको क्या ज़्यादा पसंद आ रहा था? भाई यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी इज़ पावर. ये तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं ना कोर्ट्स में, तो यहाँ पर भी यूनिटी. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 30. Why did Phule say that women were superior to men? Phule ने ऐसे बोला कि women were superior to men and why? They both children and nurse them. They both हो गया यहाँ पर. They both children and nurse them. Women were reversed. They born होना चाहिए I think. They born children and nurse them. Okay? They born. Women were reversed as Bharat Mata. रिवर्ड एज भारत माता भी जानी जाती है ना वुमेन को. ही रिगार्डेड वुमेन एज प्राइसलेस पोजिशन. इफ़ अ वुमेन इज़ एजुकेटेड द होल नेशन विल बी एजुकेटेड. बहुत फेमस ये कोट भी है. आप बताइए यहाँ पे फुले ने किस चीज़ पर एम्फोसाइज किया था कि वुमेन वर सुपीरियर टू मेन? उनका ये मानना था दे बोर चिल्ड्रन एंड नर्स देम. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ये आपका दे बोर चिल्ड्रन एंड नर्स देम, ये करेक्ट है. ठीक है, यही सही है. ओके, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 31. डैश वॉज द फाउंडर ऑफ द नेशनलिस्ट जर्नल्स इन इंडिया. डैश वॉज द फाउंडर ऑफ द नेशनलिस्ट जर्नल्स इन इंडिया. कौन था फाउंडर नेशनलिस्ट जर्नल्स का? दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस रनाडे, राजा राम मोहन रॉय. तो राजा राम मोहन रॉय जी जो थे वो आपके नेशनल जर्नल्स इन इंडिया थे. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32.
Who apprised the select committee to the British Parliament about the poor economic condition of the people in India? Who apprised the select committee of the British Parliament about the poor economic condition of the people in India? Jyotiba Phule, Savitri Bai Phule, A.O. Hume, Raja Ram Mohan Roy. तो कौन था वो? तो वो थे आपके राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, इन्होंने ऐसा किया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूरा इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, पीपल ऑफ इंडिया के बारे में बताया था. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 33 आपका ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है. इन विच ईयर डिड फुले एस्टेब्लिश वन ऑफ द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया? फुले ने, पहली बात तो फुले ने एस्टेब्लिश किया था क्या फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया, और कब किया था? 1829, 1848, 1873, 1896. तो ये है आपका 1848. ठीक है, 1848 में फुले ने एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया. ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको. क्वेश्चन नंबर 34 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, अच्छे से आंसर करिएगा. द पेपर्स पब्लिश्ड बाई राजा राम मोहन रॉय हैड अ डिस्टिंक्ट डैश एंड डैश कैरेक्टर. द पेपर्स पब्लिश्ड बाई राजा राम मोहन रॉय हैड अ डिस्टिंक्ट डैश एंड डैश कैरेक्टर. तो क्या था वो कैरेक्टर, और क्या थे वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर राजा राम मोहन रॉय के जो पब्लिश पेपर थे? रिप्रेसिव एंड डोमिनेटिंग, नेशनलिस्ट एंड प्रोग्रेसिव, सुपीरियर एंड प्रोग्रेसिव, ह्यूमनिस्ट एंड इकोनॉमिक. आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, क्या हो सकता है राजा राम मोहन रॉय, नेशनल मूवमेंट जो चल रहा है, तो भाई ऑब्वियसली नेशनलिस्ट और प्रोग्रेसिव, क्योंकि नेशनल ग्रोथ के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली नेशनलिस्ट होंगे और प्रोग्रेसिव भी होंगे. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, एक रीडिंग कर लीजिएगा चैप्टर की. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज़ एक रीडिंग और MCQs को मिनिमम 3 टाइम, मैक्सिमम 5 टाइम लगा लीजिए, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस आप ये नहीं कर पाएंगे. और प्रैक्टिस आपने कर ली अगर, तो वही लोग 100 में 100 ले आएंगे, और आपने नहीं की तो आप वही 90s में लटके रह जाएंगे. तो भैया 100 में 100 ले आओ. MCQs तो गलत करने ही नहीं है, सामने आंसर लिखे हुए हैं उसमें से टिक मारना है. इतना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही काम करने लग जाएगा इतनी प्रैक्टिस के बाद. समझ रहे हो बात को? चलिए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको डेडिकेटेड भी वीडियोस बना दूंगी. ठीक है, अदरवाइज़ MCQs की जो सीरीज़ अभी चल रही है वो मैं सारे चैप्टर के फ़िलहाल पहले कंप्लीट कराऊंगी. हम 1 by 1 मूव करेंगे. ठीक है, हमें कोई जल्दी में नहीं मूव करना है, बस प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करते चलिए ताकि ये पाइल अप ना हो. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर.